हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। ठंड का सीज़न है तो सूप बनाना तो बनता ही है, और कैरेट आजकल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आ रही है। तो आज मैं आप सभी के साथ में कैरेट सूप बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत इजी है और बहुत टेस्टी भी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कैरेट सूप हम कुकर में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है, इसमें हमें घी तेल कुछ भी नहीं डालना है। इसमें मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 3 गाजर, क्योंकि मैं 3 लोगों के लिए बनाने वाली हूँ। गाजर को मैंने अच्छी तरीके से धुल के, छील के और इस तरीके से रफली कट कर लिया है। गाजर के साथ में इसमें हम डालेंगे प्याज। तो एक छोटी साइज़ की प्याज को मैंने रफली कट कर लिया है, उसे भी हम गाजर के साथ में डाल देंगे। अब इसमें मैं डाल देती हूँ पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना कि ये जो गाजर और प्याज हमने डाली है ये पानी से ढक जाए। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा लहसुन। लहसुन की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे तो लहसुन का फ्लेवर अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप 1 या 2 कली भी डाल सकते हैं। अब बस कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और 2 से 3 सीटी आ जाने दीजिए, गाजर अच्छी तरीके से गल जाएगी। कुकर के प्रेशर को अपने आप रिलीज होने दीजिएगा, आप अपने मन से मत हटाइएगा। तो चलिए, गाजर तो हमारी अच्छी तरीके से मशी हो गई है, अब इसे हमें पीस लेना है। इसे आप 2 तरीके से पीस सकते हैं। एक तो अगर आपके पास इस तरीके से ब्लेंडर है तो ब्लेंडर की हेल्प से पीस लीजिए, तो आपको एक ही कुकर में आपका सूप बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास ये ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं। बस उस समय ध्यान रखिएगा कि ये जो कैरेट है ना, इसे बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद पीसिएगा। गरम गरम में पीसेंगे ना तो जलने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि काफ़ी हीट बन जाती है ना मिक्सी के जार में, उसके कारण किचन भी गंदा होगा और आप भी जल जाएंगे। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर ब्लेंडर से पीस रही हूँ और ज़रूरत के अनुसार इसमें हम और पानी डाल लेंगे, क्योंकि ये हम सूप बना रहे हैं। तो इसे आप पीसेंगे तो बिल्कुल आपको इसे महीन पीसना है, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखने हैं या फिर मोटा मोटा नहीं पीसना है। और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सूप चाहिए तो इसे पीसने के बाद आप छान भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे छानूंगी नहीं, क्योंकि इसका फाइबर हम वेस्ट नहीं करेंगे, वो भी हम खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पीस लिया है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जैसे कि नॉर्मल टोमेटो सूप हम रखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही रखा है। आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई लोग कॉर्नस्टार्च डालना पसंद करेंगे, लेकिन मैं वो अवॉइड कर रही हूँ। जब हम हेल्दी सूप बना रहे हैं तो क्या ही ज़रूरत है, ऑलरेडी ये हमारा सूप काफ़ी गाढ़ा है ना। चलिए अब इसमें हम थोड़े से फ्लेवर्स डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। ठंड के सीज़न में तो काली मिर्च ज़रूर पीस के रखा कीजिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है सूप्स बनाने में। और एक प्रो टिप है, ठंड के टाइम में ना जब आप चाय बनाएं उसमें काली मिर्च डाल लीजिएगा, तो वो ना एक सॉर्ट ऑफ काढ़े का काम करती है, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर मैं दालचीनी का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर नहीं है तो आप 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा भी यहाँ पर डाल सकते हैं। 1 से 2 तेज पत्ते मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर सफ़ेद नमक और काला नमक दोनों डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम डालेंगे और इसे हम थोड़ा सा उबाल लेंगे, ताकि ये जो भी हमने मसाले डाले हैं ना, इसका फ्लेवर अच्छी तरीके से सूप में उतर आए। ये सूप हमारा बनकर रेडी है, लेकिन अब इसमें ये 2 ऑप्शनल स्टेप हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच बटर, इससे सूप का फ्लेवर काफ़ी रिच हो जाता है। अगर आपके पास बटर नहीं है और अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो टोटली स्किप भी कर सकते हैं। और फाइनली ना मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच विनेगर डाल रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको कैरेट सूप में हल्की सी खटास अच्छी लगे तो डालिएगा, और अगर नहीं अच्छी लगती है तो टोटली स्किप कर सकते हैं। और अगर खटास अच्छी लगती है लेकिन विनेगर नहीं डालना है तो कैरेट के साथ में आप 1 टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप सूप को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
ये तरीका है कैरेट सूप बनाने का। और आप कैसे कैरेट सूप बनाते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसे आप सर्व कीजिए गर्मा गर्म। और साथ में गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ मैं एक गाजर। ठंड में गर्मा गर्म सूप और रजाई की गर्माहट, आहा मज़ा ही आ जाता है। और सामने टीवी, बस आनंद परम आनंद है ना। उम्मीद है आप सभी को रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।